हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं दो ईयरफोन का। एक है JBL T110 जी, जो इधर है मेरे तरफ जो गले में लटका हुआ, और एक तरफ जो है सोनी MDR XB-55 जी। दोनों जो है बेस पे आधारित है, दोनों जो है बेस पे ज्यादा प्रिफर करते हैं। दोनों पे बेस को देखते ही जो ईयरफोन को आर्किटेक्चर दिया गया है और बनाया गया है, वैसे ही स्पेसिफिकेशन भी दी गई है, तो इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मैं हूं प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज है वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए इस जो सोनी की फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज से लेकर 24,000 हर्ट्ज तक है, और जो JBL T110 की है इसकी है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब 20 किलो हर्ट्ज और ये 24 किलो हर्ट्ज तक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज और चीज बता दूं फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो स्टार्टिंग होता है, जैसे इसकी 20 हर्ट्ज है और इसकी 4 हर्ट्ज है स्टार्टिंग पॉइंट, तो मतलब वो बेस को रिप्रेजेंट करती है। और जो ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है, जो 24,000 हर्ट्ज है इसकी और जो इसकी 20,000 हर्ट्ज है, वो जो है ट्रिबल शो करती है कि कितनी जो है आपकी ईयरफोन में जो है सॉन्ग की डिटेलिंग आ रही है। ये होती है 4 हर्ट्ज से लेकर 24,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो मतलब इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है बेस भी अच्छा है और डिटेलिंग भी अच्छी है T110 के कंपैरिजन एज ए स्पेसिफिकेशन। और मैं आपको बता दूं जो सेकंड चीज है वो है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या है, और इम्पीडेंस है मतलब कि आपकी जो पावर आउटपुट कितनी जा रही है, ईयरफोन कितनी ले रही है। तो मैं आपको बता दूं दोनों की 16 ओम ही है, ज्यादा नहीं है ना बहुत कम है, नॉर्मल है। मैं आपको बता दूं जब आप डुअल ड्राइवर ट्रिपल ड्राइवर वाले ईयरफोन अगर आप यूज करेंगे तो उसमें आपको 26 ओम 24 ओम ऐसे आपको जो है मिलेंगे इम्पीडेंस। उससे क्या होती है, वैसे आपकी आउटपुट भी रहती है, कंजम्पशन भी वैसा ही लेता है, तो इससे जो है आपकी साउंड क्वालिटी पे भी असर पड़ता है। ये होता है इम्पीडेंस, मतलब पावर कंजम्पशन आपकी कितनी है एक ईयरफोन की। मैं आपको बता दूं 100 मेगावाट के आसपास दोनों की है, बहुत मतलब नॉर्मल है, बहुत ठीक है, इसको अच्छा माना जाता है। जो अगली चीज है वो मैं आपको बता दूं ड्राइवर। अब ड्राइवर साइज में आपको बता दूं सोनी MDR EX XB55 में 12 mm की ड्राइवर है और इसमें 9 mm की ड्राइवर है। मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की, फ्रीक्वेंसी मैंने जैसे बताया 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज और 4 हर्ट्ज से लेकर 24,000 हर्ट्ज, तो इसमें तो सोनी क्लियर विनर है। और यहाँ पे बेस के आधारित जो ये दोनों ईयरफोन बनाए गए हैं, प्राइस में भी काफी डिफरेंस है। ये प्रेजेंट टाइम में 900 के आसपास का है और ये जो है 1500 के आसपास का है, सोनी 1500 के आसपास का है। तो अब मैं बता दूं आपको जो ड्राइवर साइज है वो सोनी में 12 mm की और इसमें 9 mm की है। अब मान लीजिए, अब ऐसे सोचिए जैसे एक छोटी साइकिल है और एक बड़ी साइकिल है, आप दो पैडल मारते हैं आप छोटी साइकिल में तो कितनी दूरी डिस्टेंस कवर करती है, और जो बड़ी साइकिल है वो कितनी दूरी डिस्टेंस कवर करती है। तो जाहिर सी बात है जो बड़ी वाली साइकिल होगी वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी। वही सेम चीज जिसमें बड़ी ड्राइवर होगी उसकी जो बेस क्वालिटी और साउंड डिटेलिंग अच्छी है होने वाली है, और जिसकी छोटी है वो जो बड़े वाले की कंपैरिजन अच्छी नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है। अगर आप लोकल कंपनी का एयरफोन लेते हो उसमें अगर बड़ा ड्राइवर है तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको डिटेल्स मिले, इसलिए ब्रांड में आपको जाना चाहिए। ब्रांड अगर आप लेंगे तो आपको जो है वो क्वालिटी और वो ट्रेबल इम्पीडेंस आपको वो मिलेगा, तो वर्चुअलाइजेशन आपको वैसा मिलेगा, आपको 3D साउंड इफेक्ट वैसा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं 3D साउंड इफेक्ट जो है सोनी की बहुत अच्छी है JBL के कंपैरिजन। और मैं आपको बता दूं जो साउंड प्रेशर लेवल है DB वो इसकी जो है, मैं बता दूं आपको JBL की मैंने बहुत कोशिश की थी ढूंढने की, मिल नहीं रही थी, लेकिन मुझे कल मिला है। मैंने पिछले वाले वीडियो में जैसे मैं आपको बता दूं 99 डीबी की है, जी नहीं है 99 डीबी की नहीं है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज लेकर अधिकतर जो है 99 डीबी ही होती है, 99 डेसिबल होता है। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैं आपको बता दूं डीबी में वो है 112 जी, या काफी ज्यादा है। अगर मैं आपको बता दूं एक 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी को लेके, तो आपको डिटेलिंग्स भी कम मिलने वाली है और जो बेस आपको ईयर पे जो है हिट करने वाले हैं, तो इसलिए हिट करता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि जो मैं सुनता था तो बोलता क्यों ये हिट कर रहा है मेरे ईयर पे, लेकिन अगर मैं यही बात करूं सोनी की तो आपको ये ईयर पे बिल्कुल हिट नहीं करने वाला है, ये काफी अच्छा है। और ये इसकी जो बैकग्राउंड जो क्लैरिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है JBL के कंपैरिजन। जो अगली चीज है वो है मैं आपको बता दूं वायर क्वालिटी। वायर क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो सोनी की जो है बहुत अच्छी है, आपके हाथ में मतलब उठाएंगे तो मुलायम और फ्लैट वायर है। लेकिन जो मैं आपको बता दूं JBL की है ये थोड़ा आपकी स्किन पे स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, थोड़ी चिपकती है, लेकिन सोनी की जो है बिल्कुल नहीं चिपकती है। और ये काफी बेहतरीन है, मतलब मैं आपको बता दूं ये सोनी की जो काफी बेहतरीन वायर है अगर मैं कंपेयर करता हूं JBL T110 के कंपैरिजन। और ओवरऑल भी अगर मुझे बोलना हो तो ये सोनी जो MDR XB55 है ये हर मामले में जो है बीट कर देता है जो JBL T110 को। तो ये दोनों बेस पे ही आधारित है, लेकिन जो है बेस और डिटेलिंग्स मुझे सारी चीजें देखनी है,
और मैं आपको बता दूं ऐसे ही मैं रिव्यू नहीं कर देता हूं, रॉक मेटल जैज ये जो फ्रीक्वेंसी बेस है आपको बता दूं जो नॉर्मल हियरिंग पावर है मतलब इंसान का वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है, लेकिन जो ईयरफोन की फ्रीक्वेंसी है वो कम से लेके ज्यादा तक क्यों बढ़ाई जाती है, ये आपको वो जो मेटल सॉन्ग है रॉक जैज है और जो कुछ क्लासिकल सॉन्ग है उसकी जो एक एक बीट आप पकड़ पाए जो बैकग्राउंड से आती है वो जो मतलब एक एक जो भी इंस्ट्रूमेंट जो है लिए जाते हैं जो बजाए जाते हैं वो आपके ईयर में आए, तो इसलिए जो है फ्रीक्वेंसी का मतलब ईयरफोन में बहुत अच्छे से ध्यान रखना रखा जाता है और उसे ऑप्टिमाइज किया जाता है जैसे सोनी वाले करते हैं। आप कभी भी सोनी का ईयरफोन लेंगे तो आपको जो है साउंड डिस्टॉर्शन का शिकार नहीं होना पड़ेगा, आपके जो ईयर में ऐसा नहीं हुआ कि आपके जो है ईयर में दर्द होना स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि JBL भी खराब ईयरफोन नहीं होता है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी का ईयरफोन होता है। तो आप किस प्राइस सेगमेंट में जाते हैं डिपेंड करता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं होती है, आपको आंख बंद करके लेना पड़ता है जो रिव्यू नीचे लोगों ने लिखा होता है, तो वैसे ईयरफोन ना ले जैसे मैंने बताया वैसे ईयरफोन ले। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ईयरफोन कौन सा अच्छा है, कौन सी जो है सफिशियंट साउंड जो है प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जी धन्यवाद, जी शुक्रिया।